मुनि श्री भूम्याजी महाराज की। दावा गावरी महिमा गावा उरी सुनो सभी नरनार, जो कोई सिमरे साचे मनसू भई होवे बेड़ा पार। ऊंचो दूरो तम तमो हे बाजी गुड़ारी कुर्ता दावा गावरा भूम्या जी के मंदिर ऊपर। अरे बाजर ही खुरता भक्तों, आपने दावा गावरा भूम्या जी रो सही नाम हो भक्तों मोयल रघुदास जी भूम्या जी महाराज। तो बहुत ही सुंदर पद लिखे बोली, अरे मोयल भूम्या जी आप ही बड़ा उपकारी, अरे थोरा धरती ए धाम आपरी, अरे धोरा धरती ए धाम आपरी, अरे गावी दावा के माई ओ मोयल भूम्या आप बड़ा उपकारी। अरे धोरा माई काम आपरी, धोरा माई काम आपरी, काम दवा ले माई ओ चले गया और इन धरती माते क्रमशोत राठोड़ारो राज हो गयो। और आज क्रमशोत राठोड़ारो राजपूतन वटे शासन है, इसे का अधिकार है। तो लिखे अरे दावा गावे दादड़िया बसायो चारण आपे बड़ा उपकारी।
सुनना, क्योंकि आप आने वाली पीढ़ियों को बता सको कि हमारे यहाँ मोहिल भोमिया जी महाराज कौन हुए, कैसे हुए। मात्र ये 15 मिनट का वजन ले रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुना मेरी बहन बेटियों। बताओ अपनो जिलो है बीकानेर, चुरू जिले रे महीने एक गांव पड़े थाने जान में तो ताल छापर। ताल छापर बताओ वो जगह है जहां पर महाभारत काल में द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को शिक्षा दी थी। गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम ताल छापर है। ताल छापर रे महीने बताओ एक मोयल गोत्रीय राजपूत वंशरा शासन हो जिनको नाम हो खेत सिंह जी, और खेत सिंह जी के भक्तों सात तो बेटा हा और एक बेटी ही, सात बेटा और एक बेटी। बे सात बेटा रे मैंने अपना जो गांव रो भोमिया जी महाराज है ना, बे खेत सिंह जी का ही लड़का हा। तो देखो आगे कहीं बात बने, बगदरदास करे बोली ताली छापर चुरूरी जिला में मोयल रजपूती कहाई। बागा में जावे और बागा में सजनों कहीं तो वे रंग रंग का फूल तोड़ रिया है। कोटा भाई मीठा मीठा मोर पपैया बोली बगीचा रे महीने, और उनकी सखियां रे सागे हंसे खेले भाई सा और रंग रंगीला फूल तोड़े। उन वक्त जोधपुर को राजा अड़कमाल, जोधपुर को राजा अड़कमाल, अड़कमाल देव वो भक्ता बटे निकले हो। अड़कमाल देव का ही भक्ता थोड़ो कोजो हो, रंग पक्को हो भी को और सकल सुरत रो फूट रो को नहीं हो। जिने कोटा भाई तानो दे दियो, बोले हे मारा राम जी इरे सागे कुण शादी करेला। कोटा भाई, कोटा भाई तानो मार दियो, कह रहे भाई वो तो कुरूप है तो कोजो है इनसु शादी कुण करेला। और बा बात भक्तों भी अड़क माल दे रहे शब्दारे बे कलज पात हो गया। अड़क माल मन में साली के भाई सा अब तो शादी हो बंदो ही था कसू करेला। तो कहीं बात बने रे कहीं भक्त कवे चलो भैया I'm
शादी तो अब मैं ही करूंगा और बड़ी रियासती ताल छापर रहे माते भक्तों सावर और नारियल भेज दियो। खेत सिंह जी बेचारा का ही करता भक्तों, अति बड़ी सेना को सामने करने को बेगो सामर्थ्य नहीं हो। तो आपरी बेटी कोडा बाई रो विवाह शादी सगाई अडक माल देरे सागे कर दी, सगाई हो गई साहब। जब आ बात कोडा बाई ने पतो चालियो कि वो कोई व्यक्ति है जो मैंने बागा में मिलूर जीरी में मजाक उड़ाई, जिन में चुपता बोल बोलिया बिरे सगे मारी सगाई करी है, उन वक्त मैंने कोडा भाई साहब आपरे पिताजी ने बोल दियो। बोले पिताजी माफी चाहू लेकिन मैं मर जाऊं नी, मैं आत्मघात कर लू नी, लेकिन मैं बिरे सगे शादी नहीं करूंगी। पिताश्री आप मैंने जहर को प्यालो दे दो, मैं वो लेने खत्म हो जाऊंगी, लेकिन मैं बिरे सगे शादी ब्याह नहीं करूंगी। उन वक्त मैंने बेटी री जिदरे सामने भक्तों खेत सिंह जी भी हार गया और आपरी बेटी रो सावो आपरी बेटी री सगाई दूसरी जगह करी। भक्तों बीकानेर जिले रे मैंने जड सुगणा भाई को सास रो है पुंगलगढ़, पुंगलगढ़ रे मैंने सादा कंवर नाम रा राजपूत पड़िया राजपूत रे सगे भाई सारी सगाई कर दी। अब देखो विधि को विधान, अटिनु जोधपुरु बरात आगी और अटिनु पुंगलगढ़ सु बरात आगे, पर कहीं घमासान युद्ध मचे कहीं बात बने। चलो भैया हो गया आप बड़ा उपकार।
आसमान में कावड़ा, चील, अब तो नहीं है गिद्ध, जो मांस का भक्षण करते हैं, मांस खाते हैं। आसमान में कावड़ा मंडरावण लाग गया, मां कंकाली एक हाथ में खांडो ले लियो, दूजा में खप्पर ले लियो, 64 चौगणिया किलकार करती रवाना हुई, और पावन भैरूनाथ रवाना हो गया। बे कावड़ा क्यों मंडरावण लाग गया, बोले अरे भाई अड़क माल दे वो घोड़ी चढ़ियो है रटिनू, व्योमा जी महाराज मोयल भूमिया घोड़ी चढ़िया है, आज तो खुनारा खंगाल बेजावेला, आ कालिका माता खप्पर बरबर खून पीवेला, और भेरू अतरिया में उड़जेला, आ तो खुनारा नाला बेजावेला। बक्को अड़क मालदेव अटीनू कुंगड़रा सादा कमर, अटीने अपने गांव रा भूमिया जी महाराज, मुयल भूमिया जी महाराज बहुत घमासान युद्ध यो बक्तो, और कोडा भाई सरे सागे अटीने युद्ध होतो रियो, और कोडा भाई सरे सागे सादा कमर री शादी होगी, विवाह होगी। खेत सिंह जी रा सात का सात लड़का भी युद्ध में भक्तों वीर गति ने प्राप्त हो गया। आपना भूमिया जी महाराज हाथ में तलवार लियोड़ा भक्तों, और जब लड़ा हा एक दुष्ट पीछे से हमलो कर, और आपना मोइल भूमिया जी महाराज की एक भुजा दुष्ट काट दी, और वो भुजा मारे अजमेर में पड़ी। अटेने भाई सारी व्यवाह विवाह होगो, शादी होगी, और बटा सुरवाना भी बरात भक्तों, लेकिन दुष्ट अड़क मान बिने कदे सहन होती कि भाई जिने मैं शादी नहीं सोची बस दूसरा से विवाह कर लियो, वो भक्तों दुष्ट आदमी पुंगलरा राजकुमार सदा कंवर रूपी सदनो वध कर देवे, बीरो शरीर सुधड़ अलग कर देवे। कोडा भाईसा ने एक दिन री शादी भी भक्तों रूपे विधवा हो गया। भूमे जी महाराज एक भुजा में तलवार पकड़ और बे दुष्ट रा श्रृंगार करवाने ला गया, लड़ता 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 भक्तों धीरे धीरे आया, अंत में भक्तों सोवा गांव रे महीने भूमे जी महाराज रो शीश गिर गयो, और आपने दावा गांव रे महीने भूमे जी महाराज रो धड़ गिर गयो। बी दिन सु आपा सोवा गांव रे महीने तो भूमे जी रो शीश पूजी जे, और दावा गांव रे महीने भूमे जी महाराज रो धड़। अपनी बहन के लिए उन्होंने भक्तों ये वीर गति दे दी थी, ऐसे वीर की सच्चे जैसे जगोश करें एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बोलो श्री भूमिया जी महाराज की। प्राप्त हो गया, सातों भाई खत्म हो गया, पति खत्म हो गयो, तो कोडा भाई मन में विचार करो रे राम जी अब मैं जीवित किर लर रहूं। तो भक्तों आपने दावा गांव से 84 किलोमीटर दूर एक गांव पड़े भक्तों कोडम देसर गांव,
भी गांव रे मैंने आपरी पति री लाश ने कोड़ा भाई सा आपरे गोद में रख और चितारे माथे बैठ गया भक्तों और आपरे पति रे लारे खाली एक दिन रो स्वाग राख्यो भाई सा और बे सती कोई गा में लिखे हरी कोड़ा भाई ने हरी सत्य चढ़ियो तलवारा जूजा भुजा अजमेर गिराई अरे सोवा महीने शीस पड़ोरी भूम्या सोवा महीने शीस पड़ोरी अरे झंडी दावा के माइयो चांदनी चव दसनी भूमिया अरे जमलो जगा वारे पारी अरे तावा का मीरा सगड़ा जावे कौन कौन जावे भूमि जी को कौन कौन जाता है सच्चे मन से एक बार हाथ ऊपर जो भूमि जी को मानता है एक बार दोनों हाथों पर करो सच्चे दिल से आगे मेरी बहन बेटी हो भाई साहब दोनों हाथ ऊपर सीधे और मिट्टी बड़ी बिल्कुल आराम से ताली अरे दावा का मीरा सगीड़ा पीछे भाई लोग आप नहीं जानते क्या पीछे वाले मेरे भाई साहब उड़ा ले एक बार दोनों हाथ भूमि जी महाराज के नाम पीछे सीधे अरे दावा का मीरा सगीड़ा जावे और अजमेरों महिमा Oh, yeah.
गोविंद जी महाराज का ये गुणगान आपको अच्छा और सच्चा लगा हो तो एक बार जोगोश करके मेरा हौसला बढ़ाएं, आप सभी दोनों हाथ ऊपर करके बोले श्री दावा भेरुनाथ की।